तो ओप्पो और नोकिया इज आउट ऑफ द लीग, यानी वीवो लेके आने वाला है फ्लिप फोन और फोल्ड फोन, वो भी 2023 में। क्या आपको इंतजार है? तो कैसा होने जा रहा है आईफोन 15 प्रो सीरीज का कैमरा डिजाइन? हम आपके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं एंड वी विल पे यू फॉर दैट आल्सो। नथिंग फोन 1 के बाद नथिंग फोन 2 आ रहा है अगस्त सितंबर 2023 में। मजीद जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ एक दफा फिर आपके सामने टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टेक ब्लेड और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। 2023 में आज तक यानी जून 2023 तक कौन कौन से मॉडल लॉन्च हो चुके हैं और आगे आने वाले 6 महीनों में कौन से मॉडल्स मोबाइल फोन के हवाले से लॉन्च होने जा रहे हैं, उसका तस्करा हम आज करेंगे, ताकि अगर अभी तक आधा साल गुजरने के बाद भी और आप सोच रहे हो आपने मोबाइल फ़ोन अपना रिप्लेस नहीं किया या न्यू मोबाइल फ़ोन नहीं लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या धमाकेदार मॉडल्स बकिया 6 महीनों में 2023 में आने वाले हैं। अगर आप नोकिया और ओप्पो के फ़ैन और फॉलोअर्स हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये कि मई 2023 तक अभी तक नोकिया और ओप्पो ने कोई न्यूज़ नहीं दी है कि आने वाले साल में यानी 2023 से जून ऑनवर्ड से वो कोई नया फ़ोन या नया मॉडल लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा सैमसंग, हवावे, गूगल, शाओमी, वीवो, यहाँ तक कि मोटोरोला तक ने अपने 2023 की मॉडल्स की रिलीज़ दे दी है कि वो दिसंबर 2023 तक कौन कौन से मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं और उन मॉडल्स में क्या होने वाला है, जिसमें एप्पल 15 की पूरी सीरीज़ और लाइनअप भी शामिल है, जो आज के एपिसोड में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने आपको अपनी फरवरी में बार्सिलोना सीरीज़ में बताया, जिसमें टैग ब्लेड का हमने लॉन्च भी किया था, कि फोल्डिंग फ़ोन की भरमार होने वाली है इस दफ़ा, क्योंकि फोल्डिंग डिस्प्ले बनाने वाले बहुत सारे मैनुफैक्चरर्स आ चुके हैं कोरिया में और चाइना में, उसके साथ साथ ताइवान में भी। तो गूगल इस दफ़ा ला रहा है पहली दफ़ा गूगल फोल्ड, और गूगल पिक्सल फोल्ड, गूगल पिक्सल 7a और गूगल पिक्सल 7 अल्ट्रा और गूगल 10a तीन मॉडल्स लॉन्च करने जा रहा है 2023 में, जून 2023 ऑनवर्ड्स। तो गूगल लॉन्च करने वाला है तीन स्मार्टफोन 2023 में। नंबर वन, अगर आप गूगल की ब्रांड में रहते हुए फोल्डेबल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल लॉन्च कर रहा है गूगल पिक्सल फोल्ड, और दूसरे नंबर का अगर आपको फोल्डेबल फ़ोन नहीं चाहिए लेकिन गूगल ही चाहिए तो आप खरीद सकते हैं गूगल पिक्सल 7, और अगर उससे भी बड़ी स्क्रीन चाहिए और फोल्डेबल नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं गूगल पिक्सल 7a या जिसको गूगल ने अभी तक G10 का नाम दिया है। तो ये तीन फ़ोन आने वाले हैं जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। अगर हम हवावे की बात करें तो हवावे ने दोबारा से 2021 के बाद दोबारा से बड़ी री एंट्री करी है और स्लोली स्लोली वो मार्केट्स में छाता जा रहा है। ऑलरेडी पिछले 4 महीने में 2023 में, यानी अगर आप बात करें मई अप्रैल 2023 तक, तो ऑलमोस्ट 4 मॉडल्स हवावे लॉन्च कर चुका है, लेकिन आगे आने वक्त में हवावे लॉन्च करने जा रहा है हवावे मेट 3, जो कि अवेलेबल होगा 8+128GB, 8+256GB या 12+512GB के वेरिएंट में। हमारी सोर्सेज के मुताबिक जब हमने कॉन्टेक्ट किया वन प्लस टीम, जो कि बेस्ड है दुबई में और इनका यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा ऑफिस है और बाकी स्टाफ भी लेके बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि इस साल 2023 में ये दो बड़े अनोखी प्रोडक्ट लेके आने चाह रहे हैं और इसमें भी फोल्डेबल फ़ोन भी शामिल है, यानी वन प्लस फोल्डेबल और वन प्लस फ्लिप, यानी फ्लिप फ़ोन भी लेके आ रहे हैं और फोल्डेबल फ़ोन भी लेके आ रहे हैं, और उसका नाम अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन एक्सपेक्टेडली सितंबर 2023 में इसकी लॉन्च होगी। वीवो इस साल दो फोल्डेबल फ़ोन लेके आ रहा है, एक फ्लिप टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड और एक फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, और इसका नाम उन्होंने दिया है Vivo Z Flip और Vivo Z Fold। अब ये Z इन्होंने Samsung से मुतासर होकर अभी तक इसका नाम दिया है, या ये नाम इसका चेंज कर देंगे आगे आने वाले वक्तों में, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। Nothing Phone 1 की कामयाबी के बाद आपको पता है उनके जो फाउंडर हैं कार्ल पाए,
उन्होंने हमें बताया कि 2023 में ऑलमोस्ट मई और जून के करीब, स्टार्टिंग ऑफ जून और एंड ऑफ मई के करीब नथिंग फोन 2 लॉन्च होने वाला है और उनकी टारगेट ऑडियंस है और लोकेशन है यूएसए मार्केट। और वो कह रहे हैं कि हम फ्लैगशिप चिपसेट के साथ जाएंगे जो कि होगा स्नैपड्रैगन जनरेशन 8+2 और इसमें आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और मेमोरी और इसकी रोम के बारे में अभी तक उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी ऑडियंस को मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन देंगे। तो लेट्स सी कि वो 8+256 कॉम्बिनेशन के साथ आता है या 12+512 के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। लेकिन 2023 में नथिंग फोन 2 का नया वेरिएंट लॉन्च होगा। फोल्डेबल फ़ोन की बातें हो रही हैं और सैमसंग पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस साल अगस्त 2023 में सैमसंग अपने दो वेरिएंट लेके आ रहा है, एक फोल्ड 5 और एक फ्लिप 5। तो ये होंगी गैलेक्सी जेड सीरीज और इसमें सैमसंग दो वेरिएंट लेके आ रहा है, एक फ्लिप फोन होने वाला है जिसका नाम उन्होंने फ्लिप 5 दिया है और दूसरा फोन फोल्ड 5 सीरीज है जो कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगा। इन सारे बिग ब्रांड्स के साथ मोटोरोला कैसे पीछे रह सकता है? तो मोटोरोला भी बहुत तेज भाग भाग के आगे आ रहा है। हमें शायद ना अंदाज रहा हो साउथ एशियन मार्केट में या मिडिल ईस्ट मार्केट में, लेकिन अभी तक मोटोरोला यूएसए मार्केट और साउथ यूएसए मार्केट में और साउदर्न यूरोपियन मार्केट में काफ़ी मशहूर ब्रांड एग्जिस्ट करता है। मतलब जिस तरीके से हम ओप्पो को, वीवो को या शोमी को साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट या आप समझ लें एशिया पैसिफिक मार्केट में प्रेस करते हैं, मोटोरोला के काफ़ी डाई हार्ट फैन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली इन यूएस मार्केट। तो मोटोरोला रेजर 3 लेके आ रहा है और उसने बताया कि अगस्त और सितंबर 2023 में मोटोरोला रेजर 3 अनाउंस होने जा रहा है और लॉन्च होने जा रहा है। अब देखते हैं इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी, लेकिन 100% मोटोरोला ने कहा है कि रेजर 2 से बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ और रेजर 2 से बेहतर चिपसेट के साथ हम लॉन्च करेंगे रेजर 3 मोटोरोला। अगर आज से 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक ब्रांड जो था कहीं ऑफलाइन मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो ब्रांड है शाओमी। लेकिन शाओमी ने पिछले 3 सालों में सबको शॉक कर दिया, मतलब हिला डाला। और अगर आप बात करें कि एक ब्रांड आया और छा गया और वो वाकई शाओमी है, स्पेसिफिकली अगर हम साउथ एशियन मार्केट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें, इवन अगर इंडोनेशिया की भी बात करें या मलेशिया की भी बात करें या मिडिल ईस्ट मार्केट की बात करें, तो शाओमी जहां 6 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था वहां पे आज उभरता हुआ ब्रांड मौजूद है और माना जाता है और कस्टमर उसको पसंद करते हैं। तो जब हर कोई फोल्डेबल फोन्स लेके आ रहा है तो शाओमी ने जिस तरीके से 2022 में मिक्स 2 फोल्ड लॉन्च किया था, तो इस साल अक्टूबर नवंबर यानी एंड ऑफ अक्टूबर या स्टार्ट ऑफ नवंबर में अनाउंस किया है कि वो अपना फोल्डेबल मिक्स फोल्ड 3 शाओमी लॉन्च करेगा और अपने कस्टमर्स को महसूस करेगा। ये वो ब्रांड्स है कि जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन रिवील करी कि मजीद 2023 में वो कौन कौन से मॉडल्स लॉन्च करने जा रहे हैं या किस टाइप के मॉडल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे व्यूअर्स का सबसे पसंदीदा ब्रांड यानी आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन 15 ने भी अनाउंस किया है कि इस साल अक्टूबर में दोबारा से वो अपनी आईफोन 15 की लाइनअप रिवील करने जा रहे हैं और ये बात तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि लाइटनिंग कनेक्टर को रिप्लेस करके यूएसबी टाइप सी की तरफ जाया जा चुका है और अब आईफोन 15 जो आएगा वो टाइप सी कनेक्टर के साथ होगा। इसके अलावा हमें इसमें आईफोन का जनरेशन का कौन सा चिपसेट मिलने जा रहा है, A7 होगा बायोनिक या A8 होगा या उसमें कुछ और चेंजेस होंगी, तो उसकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका इंतज़ार हम सबको है कि इस दफ़ा आईफोन 15 का कैमरा डिज़ाइन कैसे होगा। जहां पे फ्रंट डिस्प्ले की बात हो रही है तो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो लास्ट टाइम उन्होंने आईफोन 14 प्रो मैक्स में या आईफोन 14 प्रो सीरीज़ में जो डायनेमिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस करा था वो डायनेमिक आइलैंड वैसे ही रहेगा आईफोन 15 में भी, लेकिन कैमरा डिज़ाइन कैसा होगा ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आईफोन का बैक कैसा देखना चाहते हैं, क्या आप आईफोन 14 वाला जो रियर कैमरा डिज़ाइन है वो एक्सेप्ट करेंगे आईफोन 15 के साथ या नहीं, और क्या आप आईफोन 15 ख़रीदने वाले हैं 2023 में या नहीं। इन सारी जानकारी के साथ, इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसी एपिसोड आपके सामने मजीद वीकली बेसिस पे टेक ब्रेक की तरफ से हम लेके हाजिर होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड, हमारी वेबसाइट www.techbladeglobal.com को विज़िट करें और हमारी टीम का हिस्सा बनें। अगर आप समझते हैं कि आप
फेम लेना चाहते हैं या आप एजुकेशनल कंटेंट में काम करना चाहते हैं या अगर आप जो हमारी टीवी यूथ टेक ब्लेड यूथ की सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें हम यूथ को प्रमोट करते हैं, उनसे प्रोडक्टिव कंटेंट करवाते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@techblitglobal.com या ceo@techblitglobal.com और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। हमारे ऑफिसेज बेस्ड हैं दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और शेंजन चाइना में। तो अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इट डजेंट मैटर फॉर अस, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं एंड वी विल पे यू फॉर दैट ऑल्सो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और उम्मीद करता हूँ कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। हमसे जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर अगर अभी तक टैग ब्लेड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टैग ब्लेड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टैग ब्लेड। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।